दोस्तों आज फिर से आपको सामने लेकर के आई हूँ बहुत ही बढ़िया स्नैक्स की रेसिपी, ब्रेकफास्ट की रेसिपी। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी लोग घर में ही रहते हैं और कुछ अच्छा और नया खाने का मन करता ही करता है दोस्तों। और खास तौर पे जब आप शाम को बैठते हैं चाय के साथ, तो उसके साथ कुछ अलग खाने का मन करता करता है। तो आज की रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ आलू और पोहे से बना हुआ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी। इसको आप शाम को चाय के टाइम, सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे बना करके खा सकते हैं, बच्चे भी इसको बहुत ही ज्यादा खुशी से खाएंगे। उम्मीद है आज का ये रेसिपी आपको अच्छा लगेगा, और अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देखते हैं, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज्यादा बातें न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेट गेट स्टार्टेड। की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कटोरी भर के यहाँ पे मैंने पोहा लिया है, हमारे साइड में इसको चूड़ा बोलते हैं, तो ये लिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ले ली हूँ उबले हुए आलू। उबले हुए आलू छोटे छोटे आलू है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा 6 का लिया हुआ है। अगर बड़े बड़े आलू है तो क्वांटिटी आप 3 या फिर 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो अगर आप फैमिली आपके घर में ज़्यादा बड़ी है तो आप इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल गुना बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जैसे लगभग मैं 2 से 3 आदमी के लिए बना रही हूँ, तो आपको अगर ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ पे एक प्याज लिया हुआ है, बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज है। आप इसके साइज़ का प्याज को थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो आप हरी वाली या ये वाली मिर्ची है बहुत ही तीखी वाली, ये वाली मिर्ची मैंने यहाँ 2 लिया है। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच मैंने अदरक रखा हुआ है, और इसको मुझे घिस के या फिर छोटे छोटे पीसेज में कट करके लेने हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे हींग मैंने लिया है, लगभग 1 से 2 पिंच के आसपास हींग की ज़रूरत पड़ेगी। और आप लास्ट में जो है नमक स्वाद के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया हुआ है लगभग 1/3 कप के आसपास जो है हमारा चावल के आटा है। चावल का आटा से थोड़ा सा हमारा जो जो भी हम रेसिपी बनाएंगे वो थोड़ा सा क्रिस्पी बनेगा, थोड़ा सा खस्ता बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे चावल का आटा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अभी लॉकडाउन पीरियड में चावल के आटे नहीं है तो इसकी जगह पे आप थोड़ा सा मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर जो भी अवेलेबल है वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। फिर सबसे पहले स्टेप में करना ये है कि आपको इस तरह का बड़ा सा कोई बर्तन लीजिए, उस पर इस तरह का स्ट्रेनर या फिर इस तरह का जो क्या बोलते हैं छन्नी, वो ले ले। और ये हमने जो पोहा लिया हुआ है, चूरा जो लिया हुआ है, इसको इसके अंदर डाल दे, और फिर इसको अच्छे से एक बार जो है आपको धो लेना है इस तरीके से। इसको बहुत देर पानी में बिल्कुल भी फुला के नहीं रखना है, ज़्यादा देर फुला के रखोगे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा ये सोगी सोगी हो जाएगा, उतना हमें नहीं करना है। इसको एक बार बस ऐसे ही धो लेना है, और धो करके फिर इसको हमें साइड में रख देना है। तो जब तक ये हमारा अच्छे से फूलेगा बस इतना हमें ही, तब तक हम अगला काम करते हैं। दोस्तों क्या करना है आपको, इस तरह का एक बड़ा सा कोई बर्तन ले ले, उसमें आपको ये आलू ले लेना है। आलू को बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ मैश कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फॉक की मदद से बहुत ही अच्छे से आलू को मैश कर ले रही हूँ। आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल है वैसे मैश करें इसको, तो काफ़ी अच्छे से मैश कर ले, या फिर इसको यहाँ पे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से आलू को जो है मैश कर लिया है। इसके बाद हमें डालना है इसके अंदर जो भी हमने सामग्री ली है, सारी सामग्री इसके अंदर ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्ची, वो डाल देते हैं। उसके बाद अदरक मैंने बारीक से काट के वो लिया है, वो डाल देते हैं। उसके बाद प्याज लिया हुआ है, वो डाल देते हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो यहाँ पे प्याज को आप स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि प्याज डाले ही डाले। उसके बाद आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, ये देखिए हमने पोहा जो फुला के रखा है वो डाल देते हैं। और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ हमारा ये बाइंडिंग के लिए हमने जो चावल का आटा लिया हुआ है, ये डाल देते हैं। इसको एक साथ ज़्यादा ना डालें, अगर आपको लगे कि बाद में कम है तो बाद में डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ हींग, तो हींग भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, 1 पिंच 2 पिंच के आसपास हींग डाल दें। नमक हम ऐड करेंगे लास्ट में, और इसको काफ़ी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप हरा धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, पर अगर आपके पास है तो हरा धनिया का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा कलर भी अच्छा आएगा, दिखेगा अच्छा, और खाने में भी थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेस्ट लगेगा। तो बस इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो जितना भी आपको स्वाद के हिसाब से नमक लगे उतना आप डाल सकते हैं।
अगर आप थोड़ा सा यहाँ स्पाइसी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से फिर से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मेरा ये आटा रखा था इसको भी मैं ऐड करती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है सभी चीज़ों को। अब एक बार इसको देख ले कि बाइंडिंग बहुत ही अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बाइंडिंग करने के लिए आपको थोड़ी सी तेल की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले अपने हाथ को क्लीन कर ले, उसके बाद ही इस तरह से जो है जो भी आपको शेप में बनाना है पकौड़े टाइप का वैसा बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाथ को काफी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और पकौड़े का शेप बनाने के लिए क्या करें, सबसे पहले अपने हाथों पर इस तरह से तेल लगा लें जिससे जो है ये बिल्कुल भी आपके हाथ में चिपकेगा नहीं, और आपको जो भी शेप बनाना है जैसा भी शेप बनाना है उस तरह से आप इसको पकौड़े की शेप में या फिर इस तरह से फिंगर शेप में किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का हल्का इस तरह से जो है लंबा लंबा बना रही हूँ इस तरीके से, ताकि देखने में सुंदर लगे, अट्रैक्टिव लगे इस तरीके का शेप। आप इसको थोड़ा सा पतला और कर सकते हैं, ये देखिए तो बन रहा है ना बहुत ही अच्छा शेप। ये देखिए इसी तरीके से जो है मैं और सभी जो है बना लूंगी फटाफट से। इस तरीके से देखिए मैंने इस शेप में बनाया है, आप जो है कोई सा भी शेप बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो चलिए इसको फाइनली तलने के लिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से तेल को गर्म कर लिया है और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक डाल के देखूंगी कैसे तल रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है तेल गर्म हो गया है, तो बारी बारी से हम जो है जितनी क्वांटिटी एक साथ आप डाल सकते उतनी डाल दे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाले। और गैस को यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा तेज नहीं रखना है और बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं रखना है, तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको जो काफ़ी अच्छे से हम तल लेते हैं। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पे डाल के, वो भी बहुत ही अच्छे से होगा। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हैं। तो एक साइड काफ़ी अच्छे से इसको जो है गोल्डन होने तक, ब्राउन होने तक जो है इसको पकने देते हैं, और थोड़ा थोड़ा बीच में आप इस तरह से इसको स्टर कर सकते हैं, हिला सकते हैं इस तरीके से। सभी चीज़ें इसमें पकी हुई है तो इसलिए बिल्कुल भी ये नहीं है कि बहुत ही देर तक इसको पकाना है, तो ज़्यादा देर आपको नहीं है, ब्राउन होने तक जो इसको काफ़ी अच्छे से पकने दें। ये देखिए कितना मस्त अच्छा अच्छा कलर सा हो रहा है, तो अच्छा सा मतलब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको जो हमें बहुत ही अच्छे से तलना है। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा चाय के टाइम पे, बच्चे सभी लोग इसको बहुत ही ज़्यादा खुशी से खाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आया हुआ है। तो इतना ही आपको जो है इसको ब्राउन होने तक जो है इसको अच्छे से पकाना है, कलर चेंज होने तक पकाना है, फ्राई करना है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, तो बहुत ही अच्छे से इसका मतलब ये हो चुका है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, आपको आराम से जो है टिश्यू पेपर पे इसको आराम से निकाल लीजिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारे निकल के बाहर आ जाएंगे। ये देखिए है ना, बहुत ही लाजवाब कलर, बहुत ही प्यारा सा कलर। इसी तरीके से जो हम और भी पैचेस तल लेते हैं फटाफट से। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ, आप चाहे तो किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, और इस तरह के केचप के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये ऊपर से जितना ज़्यादा क्रंची है, क्रिस्प बना है, अंदर से उतना ही ज़्यादा मुलायम है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। ये देखिए मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ये क्रंची है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ। ये मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ थोड़ा सा, ये देखिए ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कच्चा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है दोस्तों। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाती हूँ कि आखिर ये कैसा बना है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना है दोस्तों, आप इसको ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिए। अभी लॉकडाउन का टाइम है, चाय के साथ सुबह ब्रेकफास्ट के साथ बच्चों को इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।
बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट्स करके हमें बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो आप सबसे फिर से मिलते हो एक नई रेसिपी में, तब तक लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।